ये सुबह सोई है 5 बजे, 6 बजे सोई है बताओ, और राहुल कितने बजे था? 8 बजे, 2 घंटे सोई है। एक आपको दिखाना चाहता हूँ जो प्रियंका ने रेडी किया है अपने लिए। Yes. Thank you. So for the lights and shears, we have a controlling panel over here. Okay. And if you want to turn off the lamps, there is a button just beneath it. You can tap it twice, it will get off. Okay. And for the AC controlling panel, we have the thermostat over there. Okay. This one, please. Okay. And this is our steam room and this is our bathroom. Okay. And if you need any assistance regarding anything, you can call on number 9. Sure. My name is Surbhi, I'll be there to help. Sure. Enjoy. Thank you. Thank you so much, ma'am. And happy birthday once again. Thank you. कैसा है भाई? कैसा लगा? Oh my God, believe ही नहीं हो रहा। हाँ? Believe ही नहीं हो रहा? लग भी नहीं रहा अब तक तो नहीं हो रहा। ये बात है तेरा? मतलब क्या? क्या? Is it for real? सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में, और कैसा लगा तुझको प्रियंका? बहुत अच्छा लगा। हैप्पी बर्थडे केक बुके, नाइस। वाओ, मतलब मन कर रहा है कि यहीं पर रुके होगा ना? ऐसा बेडरूम होना चाहिए अपना। वाओ, ऐसी बस एक बेडरूम, काफी ड्रायर सब कुछ, इन्होंने सारी फैसिलिटी हर चीज दे रखी है, आप देख रहे हो मिरर वगैरह बहुत बढ़िया है। सामान सामान मत रखना, वीडियो वीडियो बना लेंगे। सो ये वॉशरूम, ठीक है, वॉशरूम काफी अच्छा है, और ये है अपना स्पा, बाथ, बाथ और स्पा आई थिंक, वाओ, थिंक ये है ड्रो, ओके, हाँ मैं ऐसे ही कह रहा था। सो ये है हमारा बेडरूम, अब पानी, अरे कितने ग्लासेस, हाँ। सो ये है हमारा रूम, और ये है बाथ टब, यहाँ पे मस्त एकदम ग्रीनरी, और ये है सोफा बैठने के लिए मस्त एकदम। तो ये है प्रियंका का छोटा सा गिफ्ट। सो यहाँ पे इनको मैंने पहले ही बोल दिया था कि अपना एक केक और हैप्पी बर्थडे यहाँ पे लिखने के लिए, तो उन्होंने अच्छे से, काफी अच्छे से उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे प्रियंका कह रही थी हेयर ड्रायर वगैरह वो सब सब कुछ है यहाँ पे, तो काफ़ी बढ़िया रूम है, नाइस, हर जगह मिरर्स है, ठीक है, लाइटिंग काफ़ी तगड़ी है भाई, मज़ा आ गया, वाओ। चलो गाइस, अभी फिलहाल के लिए हम पहुँचे हैं अभी यहाँ पे, और हमारा कल तक का है यहाँ पे सुबह 11 बजे, तो हम 12 बजे चेकआउट करेंगे, तो अब हमारा एक दिन पूरा यहीं पर रहने वाला है। तो बाहर के भी आपको दिखाऊंगा टूर कैसा यहाँ का लुक एंड फील है। भी मतलब एकदम खुशी, एकदम खुश हो रखी है एकदम, और लैंप काफी अच्छा लग रहा है यार, कितना बड़ा लैंप लगा रखा है उन्होंने, लाइटिंग कितनी प्यारी लग रही है, डिसेंट एकदम बॉम लाइट ना, तेज लाइटिंग लगा रखी है, देख देख दो, सीलिंग में एक भी लाइट नहीं है ऐसी, तेज लाइट ट्यूबलाइट व्यूब लाइट कुछ नहीं, एकदम मिनिमल लाइट रखी है उन्होंने, बैठने के लिए बढ़िया, एक थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस है, थोड़ा ब्रीदिंग है ना, नाइस। सो देखते हैं फिलहाल केक इन्होंने कैसा दिया है, मैंने उनको एक्चुअली केक बोला था कि मुझे ये वाला केक चाहिए, प्रियंका ओपन कर केक एक बार दिखा, तो ये हम आज रात को काटेंगे, नाइस, बहुत क्यूट है ना, बहुत प्यारा है, वाओ, तो अभी ये है प्रियंका का बर्थडे, प्रियंका को यहाँ फ्लावर्स दिए गए मस्त एकदम, देखो, यस, तो ये है,
तो प्रियंका भी एक्साइटेड है काफी, और यहाँ पे अभी हम पहुंच चुके हैं तो अपना थोड़ा एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो वॉइस देख रही है, वॉइस का माइक कैसे ले रही है, मतलब ऐसे गूंज रही है तो काफी अच्छा यार। ग्रीनरी भी कितनी प्यारी लग रही है गाइस, वाओ। अभी हम पूल में जाएंगे और ठंड वैसी लग रही है पूल में जाएंगे ठंड के टाइम में पूल में भाई। हाँ व्यू काफी अच्छा है वहाँ पे, और भी लाइट में काफी तो फाइनल हो गया। कभी भी कुछ भी ऐसा स्पेशल ओकेजन हो, एनिवर्सरी कुछ भी, ये अपना इवेंट भी आ जाओ। तो मेरा तो देखो, मेरा एक्सपीरियंस तो है कि जैसे मैंने एंटर हुआ ना, एक अच्छी वाइब जिसे कहते हैं ना, जैसे हम कहीं एंटर कर रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया जगह में है, तो ऐसा फील आ रहा था। आपको एंट्रेंस दिखाऊंगा जब जैसे हम आए हैं, तो फिलहाल मैं उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट हाँ काफ़ी अच्छी हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे से उन्होंने डेकोरेट कर रखा है चीज़ों को, ठीक है। रोज से उन्होंने लिखा हुआ है, तो जैसा उनको बोला था वैसे उन्होंने किया हुआ है। तो यहाँ पे तो बनता था एक बार स्टे, जो लोग नहीं आए हैं वो लोग आए यहाँ पे एक दिन स्टे करें, मज़े ले रहे हैं। प्रियंका वहाँ पे लगी हुई है देखो बंद नहीं हो रहा तुझसे देखिए होता है, बंद नहीं होता, ये ऐसा होता है, देख ऐसा किया, ये किया, ये किया और ये घुमा दिया। सो अभी हम चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम अभी रेस्ट लेते हैं, फिर करते हैं आपको बात, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस फाइनली हम अभी यहाँ पे शाम हो गई है, और शाम में एक खूबसूरत सा एक आपको दिखाना चाहता हूँ जो प्रियंका ने रेडी किया अपने अपने लिए। पानी की वजह से गया होगा यहाँ, गुब्बारा फोड़ दिया। तो गाइस ये देखो अभी गुब्बारा फोड़ दिया पानी, ये अपना क्यों फोड़ रहे हैं प्रियंका, यहाँ हल्ला हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ मैं, और लोग रहते हैं, ये अपने आप क्यों फोड़ रहे हैं, ऊपर मत रख, वो हीट कर रहा होगा उस पर, तूने ऊपर रखे थे क्या इन सबको, मत रख ऊपर, मुझे पता नहीं क्या हो रहा। सो गुब्बारे ही फट गए, तो फिलहाल अभी यहाँ पे हमने मस्त प्रियंका के लिए ये सरप्राइज, प्रियंका ने अपने खुद के लिए किया है, मैंने नहीं किया कुछ भी, तो मस्त यहाँ पे अभी अपना रिलैक्सेशन करेंगे कुछ टाइम के लिए, और गुब्बारे यहाँ ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं सब नहाने के लिए, बढ़िया लाइट्स मैंने वहाँ लगा दी हैं, आप लाइट्स देखो, तो हैप्पी बर्थडे यहाँ लिख दिया है, और ये काफ़ी एरिया अच्छा है, तो इस एरिया को थोड़ा सा अच्छा मैंने और कर दिया। एक्चुअली मैंने क्या किया था, जो ये पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल को मैंने वहाँ पे रख के इसके ऊपर लाइट लगाई थी, तो डेकोरेशन लाइट का अच्छा है कि यहाँ पास मिल गया मुझे स्विच, चक्कर में मेरा काम हो गया। तो कैसा लग रहा है कैसा आपको ये, ठीक है ये काम कर दिया, प्रियंका रेडी होगी इसके अंदर जाएगी, तो इस थोड़ी इसकी वीडियोज़ बनाते हैं, और ये रोज़ वगैरह इकट्ठे कर लिए हैं बर्थडे के, तो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अभी फिलहाल मेरी हालत बहुत थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, और आपको मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखो अभी इसके अंदर मेरा मन तो कर रहा है, बियर वगैरह सब रखी हुई हैं, ठीक है, बियर वगैरह आप देख रहे हो सब कुछ रखा हुआ है, स्प्राइट फ्राइट, तो रात को देखेंगे अगर मन करेगा तो, बट अभी मन नहीं है। और इसके अंदर आप थोड़ा देखोगे तो खाने पीने का आपको मिल जाएगा, जैसे केतली पानी की, और यहाँ पे चाय कॉफ़ी का सारा सामान वामान रखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर जाओगे तो ग्लासेस वगैरह रखे हुए हैं अगर जो पीना चाहता है, तो ये है फ्रिज, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने बना रखा है डेकोरेशन, रात को तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई देख के। सबसे बड़ी चीज़ गाइस, सबसे बड़ी चीज़ प्रियंका एक बार इसको क्लोज करके दिखाना, एक बार ये चीज़ देखो, ये अगर आप वहाँ पे अपना प्राइवेट करना चाह रहे हो कि अपना रूम चेंज या मतलब नहा धोना, तो देखो ऐसे बंद हो जाता है, ये हो गया आपका प्राइवेट, यो सो सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को लगी। और सबसे बढ़िया चीज़
जो आप ये कर्टन देख रहे हो ये ऑटोमेटिक कर्टन, इसको अगर मैं वहां से प्रेस करूंगा बटन को तो ये ऑन हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफी सारे बटन है, देखो ये ऐसे ऊपर होता है। सुबह काफी अच्छा, हम जब आए थे यहाँ पे बाहर पूरा गार्डन है और बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह आपको दिखाऊंगा एक और, ये तो बहुत सुंदर लग रहा था गाइस जब मैंने देखा ना। अभी तो कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, दिखाई देंगे कि पेड़ पे दिखाई देंगे, लेकिन गार्डन है पूरा पीछे तो बहुत सुंदर है गाइस। देखो ये सुबह के लिए है, जब बंद कर दो अपना प्राइवेट रूम बन जाता है पूरा। वाओ, तो अभी फ्लावर के लिए क्लोज कर देते हैं, आपको दिखाने के लिए मैंने किया था। तो ये लीजिए, अब ये बंद हो जाएगा। क्या तो वो चलते हैं फिलहाल, यहाँ से आपको लॉकर वगैरह मिल जाएगा, लॉकर रूम वगैरह सब कुछ रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। और दिक्कत कुछ नहीं है यहाँ पे, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है जैसे हमें चाहिए। तो रूम काफ़ी बढ़िया गाइस, वाओ। सो गाइस चलते हैं अभी, इसका रेडी करते हैं अभी, तो फिर आपको मिलते हैं आपको आगे वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, बाय बाय, और केक के मजे ले रहे हैं गाइस। या चन्न खो जावे तेनो संग रखना, कुछ ना होवे या सब हो जावे तेनो संग रखना। वड्डी तो वड्डी कोई भी फो जावे तेनो संग रखना, तारा ना दिस या चन्न खो जावे तन्नो संग रखना। रास्ता ये जाने ले चला है कहाँ।